हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोलने का भी मौका नहीं दिया, हमारी बात भी नहीं सुनी। विनीत कुमार मौर्य ने केस दायर की थी, उनकी भी बात नहीं सुनी। हमारे माई साहेब अंबेडकर, इनकी केस का क्या हुआ हमें पता नहीं है। किसी बौद्ध महासभा ने आज तक के उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, समता सैनिक दल ने लड़ी नहीं लड़ी, रिपब्लिकन पार्टी ने नहीं लड़ी। और जहां स्वयं मुख्यमंत्री चार बात रही मायावती जी, उनके ही यूपी में है, और उनके जो गुरु थे कांशीराम जी, बहुजन बंधु जिसे कहते थे हम, उन्होंने कहा था कि मैं बाबा साहब के धम्म दीक्षा समारोह को जब 50 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा 2 करोड़ लोगों के साथ कर लूँगा। परंतु उनका निर्वाण हो गया, मायावती जी ने उनका निर्माण की, उत्तर क्रिया जो है वो बुद्ध पद्धति से की, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पूजा अर्चा कराई, परित्राण पाठ किया, और उनके लिए जिन्होंने स्मारक बनाया वहाँ बौद्ध विहार बनाया, वहाँ बोधि वृक्ष भी लगाया, और वो स्वयं उनके पिताजी भी बौद्ध है। कांशीराम जी खुद भी कहते थे मायावती तो बहुत बुद्ध करती है, बोले उनको क्यों नहीं मूर्ति देते, आप मुझे क्यों दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। हमने कहा मौका आएगा उनके बर्थडे का तो उनको भी देंगे, और उन्होंने स्वयं डिक्लेयर किया था कि मैं बौद्ध धम्म की दीक्षा लूँगी। 2 बार डिक्लेयर किया, नागपुर में डिक्लेयर किया, अपने पड़ोस में डिक्लेयर किया, और उनके आंखों के सामने ये हो रहा है, हो रहा था। वो चीफ मिनिस्टर रही, उनके खासदार रहे, वो स्वयं खासदार रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा सारनाथ में जाते हैं, बुद्धगया में जाते हैं, कुशीनारा में जाते हैं, राजगिरी में जाते हैं, सारे के सारे जो तीर्थ क्षेत्र है। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने दीक्षा देकर आपको ये बौद्ध तीर्थों का मालिक बना दिया है, दुनिया के बौद्धों के साथ भाईचारे का रिश्ता जोड़ दिया है, और भारत के सवर्ण हिंदू भाइयों के बराबरी में आपको मैंने खड़ा कर दिया है। इस बैकग्राउंड पे हमारे राजकीय पक्ष जितने भी है, जितने भी गुट है, उनमें से किसी ने इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। जो हमारे मंत्री हैं बाबा साहब के बाद कहते हैं कि मैं ही मंत्री बना महाराष्ट्र से, वो उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। उनका जो नवासा है बहुत बड़ा नेता है, विद्वान है, खासदार रहा हुआ आदमी है, बहुत बड़ी उनकी धाक है समाज में, राजनीति में, उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा। 3-4 जो ग्रुप है हमारे पॉलिटिकल पार्टी के, और बाकी और भी है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बामसेब के लोग हैं, उसमें केवल एक आदमी है वामन मेश्राम जी, जो स्वयं इस बारे में बोल रहे हैं। दिसंबर में बम्बई में उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं बुद्ध गया के मुक्ति के लिए आंदोलन करूंगा, और अब कल परसों उन्होंने डिक्लेयर किया कि राजरत्न अगर जी इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं तो मैं उनका समर्थन करूँगा। और वो कानून के, वो जो कामगार विरोधी कानून बना उसको उन्होंने जलाया, विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के लिए वो लड़ रहे हैं, और आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। 14 उनकी डिमांड है जो उन्होंने लोगों के सामने रखी, और कहा कि ये जो कानून है काला कानून है, कामगार विरोधी कानून है, विद्यार्थी विरोधी कानून है, इसको आप अपने घरों में जलाओ और उसका वीडियो हमको भेजो। जब लोग ताली बजाते हैं, जब लोग दिए जलाते हैं, तो हम लोग एक कानून को जलाने के लिए क्यों नहीं आगे आ सकते हैं? तो ऐसे हालत में विनीत कुमार मौर्य को भी चांस नहीं मिला, अब कैसा मिलेगा? उन्होंने तो कहा था कि ये बात इनकी सुनवाई हो जाने दो, हम आपको सुनेंगे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने तो जजमेंट दे दिया। 65 एकड़ ज़मीन मंदिर वालों को दे दी, 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद वालों को दे दी, और बौद्धों को कुछ भी नहीं मिला। तुम्हें मिली रोशनी, हमको अंधेरा। नहीं है।
स्मृतिशेष डॉक्टर भाऊ लोखंडे इन्हें ऑल इंडिया समता सैनिक दल की पहला वी की ओर से मैं भावपूर्ण आदरांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके अकस्मात दुखद निधन से आंबेडकरी मिशन की और समाज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वह एक ज्येष्ठ विचारवंत लेखक और मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अपने मार्गदर्शन से कई लोगों के विचार परिवर्तन किए हैं। ऐसे ग्रेट व्यक्ति को मैं सैल्यूट करती हूँ उनके कार्य को, और पूरे महिला विंग की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय भाऊ लोखंडे जी अंबेडकरी आंदोलन के एक सशक्त योद्धा थे। वे अपनी बात को बड़े ही बेबाक शैली में रखा करते थे। वे पाली तथा अंबेडकरी साहित्य के महान साहित्यकार और प्रखर विद्वान थे। आदरणीय भाऊ लोखंडे साहब ने नागपुर विश्वविद्यालय में जो अंबेडकर चेयर है, इस चेयर को दीर्घकाल तक सुशोभित किया। इनके चले जाने से अंबेडकरी आंदोलन का बड़ा ही नुकसान हुआ है। अंबेडकरी समाज की जो बात रखने वाला एक योद्धा था, वह हमसे आज बिछड़ गया। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय भीम।